हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोगों को बैंक से खींची हुई बाइक को कैसे खरीदना है, किस प्रकार से खरीदना है और कहां से खरीदना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पूरी बताने वाला हूं, पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके पास कम बजट है तो आप बैंक से खींची हुई बाइक को बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं और बहुत ही सस्ते रेट में आपको बैंक से खींची हुई बाइक मिल जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है कितना बढ़िया बढ़िया कंडीशन का बाइक आपको यहाँ पे 20 से 25 हज़ार में से स्टार्टिंग होती है बैंक से खींची हुई बाइक, और ये भी 6 महीना साल भर की चली हुई बाइक होती है। तो दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 20-25 हज़ार से स्टार्टिंग प्राइस होती है, और आपको जितने अच्छे कंडीशन का बाइक लीजिएगा उतना आपको ज़्यादा पैसा पैड करना पड़ेगा। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये दोस्तों यहाँ पे हीरो का न्यू मॉडल बाइक है, और इस बाइक की प्राइस की अगर हमने जो बात किए हैं तो यहाँ पे हमें इस बाइक की 45,000 रुपया प्राइस बताया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये बाइक आपको 45,000 में मिल जाती है, और ये हीरो का जो है इसकी भी प्राइस की बात किया जाए तो इसकी प्राइस आपको यहाँ पे 35,000 से 40,000 में आपको ये भी बाइक मिल जाती है। तो इस बाइक की भी अगर हम प्राइस की बात किए हैं तो वहाँ पे बताया हमें 35,000 से आपको इस बाइक को स्टार्टिंग होती है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सभी प्रकार का मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा, अपाची, ग्लैम्बर, टीवीएस स्प्लेंडर, सभी प्रकार की गाड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप पटना में जा कर के, वहाँ से जा कर के आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे और वहाँ का एड्रेस भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कितनी सारी बाइकें लगी हुई हैं, और ये सभी के सभी बैंक से खींचा हुआ बाइक है। तो दोस्तों अगर आप बैंक से खींची हुई बाइक ख़रीदना चाहते हैं बहुत ही कम रेट में तो आपको ये बहुत ही आसानी है। तो दोस्तों आप यहां पे जा कर के ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप सेकंड हैंड बाइक लेना चाहते हैं तो आपको कम बजट में इससे अच्छा बाइक कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहां पे जैसे कि देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे कंडीशन का बाइक आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप नए बाइक ख़रीदने जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपया के करीब कोई भी बाइक आप लीजिए, 1 लाख रुपया आपको पड़ ही जाता है। तो दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं 35-40 हज़ार में तो आपको सेकंड हैंड के तौर पे बहुत ही अच्छे अच्छे कंडीशन का बाइक आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ये बाइक कितनी बची हुई कंडीशन का आप बाइक देख सकते हैं यहाँ पे, ये सभी के सभी बहुत ही बचा हुआ बाइक आपको देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब